अपना स्टूडेंट्स, क्लास एट साइंस का हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था। जो पहले क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, वो हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर हो चुके हैं। अगेन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, उसके अंदर मैच करना है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया उसके अंदर, आपको फिर नोटबुक के अंदर ऐसे करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आंसर क्या आएगा, कॉजिंग कोलेरा, और मैंने ये इसके सामने लिख दिया। अगेन नेक्स्ट है रेसोबियम। रेसोबियम का क्या आएगा, फिक्सिंग नाइट्रोजन। जब हमने चैप्टर रीड किया था उस टाइम पर मैंने बताया था कि जो रेसोबियम होता है और जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होता है, उनका काम क्या होता है, हमारे एटमोसफेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर, जिससे जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसमें किसका बोला है, राइजोबियम का। तो राइजोबियम का आंसर आ जाएगा फिक्सिंग नाइट्रोजन। थर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस। जब आप बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पर मैंने बताया था कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दही को बनाने के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेटिंग ऑफ कर्ड। फोर्थ है ईस्ट। ईस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था चैप्टर के अंदर, कि जो ईस्ट होता है वो फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है, एल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है, बेकरी के अंदर जो होता है वो ईस्ट यूज होता है। जैसे हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, केक बनाते हैं इस तरह से, तो इसमें क्या देखा है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ये किसके लिए बनाने का काम आता है, ब्रेड बनाने के लिए। उसके बाद एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्या काम होता है, कॉजिंग मलेरिया। जो मलेरिया रोग होता है वो किसकी वजह से फैलता है, प्रोटोजोआ की वजह से। एंड लास्ट है एक वायरस। जो वायरस है वो किसकी वजह से, जो वायरस की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, एड्स, ठीक है। ये अपने मैच है और अपने एज इट इज अपने पेज नोटबुक के अंदर इसको राइट डाउन करना है। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। Only under
क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हम हमारी इन आंखों से देख सकते हैं, नेक आई मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जिन आंखों का हम यूज करते हैं उनसे, इफ नॉट अगर नहीं देख सकते हाउ कैन दे सी, तो हम उनको किस तरह से देख सकते हैं, आंसर में लिखेंगे क्योंकि हम इनको नहीं देख सकते तो नो वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद नेक आई, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम नेक आई से नहीं देख सकते बिकॉज दे आर सो मच स्मॉलर इन साइज, कि वो साइज के अंदर क्या होते हैं आकार के अंदर बहुत ही छोटे होते हैं, दैट वी कैन सी, इसीलिए हम उनको देख सकते हैं देम ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ उनको एक माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लिखना है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कौन कौन से मेजर ग्रुप होते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, देयर आर फोर मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू माइक्रो और
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोयल आर ब्लू ग्रीन एल्गाई एंड रेजोबियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, इसकी उर्वरता इंक्रीज हो जाती है। तो वो दो ही होते हैं, एक कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गाई एंड सेकेंड इज रेजोबियम। तो हमारे आंसर के अंदर पहले क्या लिखना है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू सोइल, वो सूक्ष्म जीव जो कि हमारे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर फिक्स कर सकते हैं, और कौन से हैं, फर्स्ट कौन सा है ब्लू ग्रीन एल्गाई एंड सेकेंड इज रेजोबियम। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अपने फिर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।